वहीं मथुरा से बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी सिनेस्टार हेमा मालिनी का प्रचार चर्चा में है। दरअसल इस बार प्रचार करने का तरीका बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में हो रहा है, जैसा कि कई दिनों से नए नए तरीकों से मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह हेमा मालिनी ने पिछले दिनों किसान के गेहूं के खेत में गेहूं काटते हुए फोटो खिंचवाए और जिसको लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग कमेंट हुए, अब फिर हेमा मालिनी मान क्षेत्र में आलू के खेत में पहुंच गई और आलू के खेत में पहले से प्लानिंग के हिसाब से उनके लिए तैयार रखे आलू को उन्होंने हाथों में उठाया और फोटो खिंचवाए। उसके बाद हेमा मालिनी खेत में खड़े एक ट्रैक्टर पर सवार हो जाती हैं और विक्ट्री साइन बनाते हुए फोटो खिंचवाती हैं। लेकिन इसकी उचित दाम क्या, आपने इस बारे में किसानों से बात करी, क्या उन्हें उचित दाम मिल रहा है? बहुत अच्छा, गुड रेट। ऑल मोर डिटेल यू कैन राजेश चौधरी कैन जी। मोदी लहर और ग्लैमर के रथ पर सवार हेमा मालिनी को शायद आचार संहिता के नियमों की कोई परवाह नहीं है। हेमा मालिनी आज दिन आचार संहिता के नियमों की धज्जियां उड़ाती रहती हैं। कुछ दिन पहले भी हेमा मालिनी को आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने के लिए चुनाव आयोग से नोटिस मिला था। एक बार फिर हेमा मालिनी ने मांड इलाके में बिना अनुमति के एक जनसभा को संबोधित किया। इतना ही नहीं, हेमा मालिनी ने परमिशन से अधिक गाड़ियां अपने काफिले में खुलेआम चलाई। हेमा को लगता है कि शायद वो एक स्टार हैं और आचार संहिता के दायरे में नहीं आ रहे। जिस तरह हेमा मालिनी आए दिन आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रही हैं, उससे तो यही लगता है कि हेमा मालिनी को ना तो आचार संहिता का खौफ है और ना ही नियमों की कोई परवाह है। और जहाँ जहाँ मीटिंग होती है, कई जगह में, कई गांव में मैं भी जाती हूँ, मीटिंग सभाएं होती हैं सबको मिलने के लिए। बट ये ऐसा ट्रैवल करते करते रास्ते में हम रुक जाते हैं और ये पूरा गांव का एक एटमॉस्फेयर माहौल है, चारपाई में बैठे हैं। ये मेरा भाई को बहुत पसंद है, माय ब्रदर, चारपाई में लेटना है, आराम करना है, लस्सी पीना है, है ना, ये एक अच्छा लगता है। ऐसा है, मेरे पास विलेजों की परमिशन है, इस समय दरबे गांव पे खड़े हुए, मगर दरबे गांव की परमिशन एसडीएम साहब के पास में जो लेटर में दिया गया है उसमें ये गांव सम्मिलित नहीं है। सभा भी कर रही है? हाँ जी, सभा भी कर रही है। जी जी, सभा भी कर रही है। और क्या कर रही है? अभी भी हो रही है। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।